जय हिंद, वंदे मातरम, भाइयों बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल द न्यूज ले में। आज हम जानेंगे आपके शहर, गांव और राज्य के मौसम का हाल, तो आप बने रहेगा इस वीडियो में आखिर तक। और हाँ, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा आप कौन से गांव, शहर या राज्य में रहते हैं, ताकि हम आपके गाँव, शहर और राज्य की खबरें आप तक पहुँचा सके। तो बात करते हैं अगर मौसम की, तो आपको बता दें कि मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने आज यानी मंगलवार को मुंबई के अलग अलग कई इलाकों में भारी बारिश से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई जिले, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और शिमला में अगले 3 घंटे तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम का अलर्ट जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिणी ओडिशा और राजस्थान के पूरी हिस्से में बारिश से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि 31 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। यही नहीं, ओडिशा के मयूरभंज, कोरापुट, संबलपुर, नवरंगपुर, नुआपुड़ा, झारसुगुड़ा, इन जिलों में मंगलवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में लगातार और भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इंद्रावती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बिहार में खगड़िया में कोसी और बागमती स्थिर मगर खतरे के निशान के पार बह रही है। उत्तर बिहार में भी सोमवार को अधिकतर नदियां स्थिर रही। पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बरकरार रहा। मध्य प्रदेश में 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यही नहीं, कई जिलों में बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। उड़ीसा के मयूरभंज, कोरापुटा, संबलपुर, नवरंगपुरा जिलों में मंगलवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश से मुश्किल कम नहीं नजर आ रही है। सतारा जिले के कराड़ के समीप कृष्णा नदी में बने 80 साल पुराने पुल का एक हिस्सा सोमवार को बाढ़ में बह गया। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिणी उड़ीसा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड और हरियाणा के उत्तरी जिलों में, असम, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उधर बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर रेलखंड पर दूसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। कोसी सीमांचल में नदियों का जल स्तर कम होने लगा। बिहार में विभिन्न स्थानों पर नदियों में डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, देश भर के मौसम का समाचार आपने इस वीडियो के जरिए जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिए, ताकि हमारे आगे आने वाले बड़ी खबरों के वीडियो और कुछ मुख्य समाचार, मौसम के समाचार, देश के कुछ हाई अलर्ट आपको मिल सके सबसे पहले। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।